हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आप सभी देख रहे हैं चटोरों की रसोई बाय अंजलि मिश्रा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं बहुत ही आसान और इजी रेसिपी, जिसे आप झटपट क्विकली 5 मिनट में बना सकते हैं। जी हाँ, आज मैं गुलाब जामुन की रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो कि ब्रेड गुलाब जामुन है, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए एक पूरा पैकेट ब्रेड। जी हाँ, एक पूरा बड़ा वाला पैकेट ब्रेड। और अब हम इस ब्रेड को के सारे जो भी कड़क वाले जो लेयर्स है, पार्ट्स है, उसे कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। और जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है और ये मोटा वाला जो ब्रेड है, उसे हम एज अ ब्रेड क्रम्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारे जो भी ब्रेड हैं उसे मिक्सी बाउल में ट्रांसफ़र करके उसका चूरा बना ले रही हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका चूरा बन जाता है। तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सो हमारा जो पाउडर है वो रेडी है बनने के लिए। अब 1 कप फ्रेश क्रीमी मिल्क यूज़ करेंगे। आप चाहो तो अमूल का व्हिप्ड क्रीम भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, बट याद रखिएगा जो मिल्क है वो हल्का गुनगुना रहना चाहिए। सो इस तरह से धीरे धीरे हथेली की सहायता से इसका डो आप बना लीजिए। सबसे पहले सारे भी छोरे जो पाउडर है उसे मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, हमारा जो डो है एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनकर तैयार हो चुका है। एकदम जैसे हम आटा गूंथते हैं एकदम वैसे ये, बल्कि उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब हम इससे के छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे और उसकी लोइयां बनाएंगे इस तरह से हथेलियों की सहायता से। और इतना ध्यान देना है कि जो भी हम गोले बना रहे हैं बॉल्स, उस पर एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, हल्के हाथों से आपको इसे इसकी गोलियां बनानी है इस तरह से। सो इस तरह से मैंने सारी गोलियां बना ली जितने भी डो थे। सो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर देंगे। सो यहाँ पे मैं 2 कप शक्कर ऐड कर रही हूँ, तो 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक उसी मात्रा में जितना आपको शक्कर ऐड करना है उतना ही पानी ऐड करना है। और इस तरह से आपको चलाते रहना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। सो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम कुटी हुई इलायची ऐड करेंगे, क्रश्ड, या तो आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। और देखिए, हमारी जो चाशनी है तैयार हो चुकी है अच्छी तरह से, न तो ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी। सो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसको गर्म करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी या बड़ी कटोरी घी। इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। तो इसे इसी तरह से हल्का शेलो फ्राई करेंगे। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि आपका घी या तेल वेस्ट ना हो, तो आप 1 छोटी कटोरी या 1 बड़ी कटोरी घी का ही इस्तेमाल कीजिए। सो इस तरह से आप इसे चम्मच की सहायता से पलटते रहिए। देख सकते हैं आप कि ये किस तरह से गोल्डन होना शुरू हो गया है इस तरह से। सो थोड़ा और इसे गोल्डन करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो गुलाब जामुन है वो तैयार है, चाशनी में डाल दिया है मैंने इस तरह से। इसी तरह से हम बाकी के भी जो गोलियां हैं उन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो हमारा जो गुलाब जामुन है वो रेडी है। आप इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिए। जब 1 घंटे में ये पूरा जो चाशनी है ऑब्जर्व कर लेगा, तो तैयार है हमारा गुलाब जामुन।